गुड़गांव की एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली युवती शुक्रवार रात गुड़गांव से दिल्ली आने के दौरान कैब ड्राइवर द्वारा इस जघन्य अपराध की शिकार हुई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यूपी पुलिस की मदद से 32 वर्षीय आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया और कैब भी बरामद कर ली गई। उधर टैक्सी सेवा मुहैया कराने वाली अमेरिकी कंपनी उबर को भी दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। पूछताछ के दौरान प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई है कि अमेरिकी कैब कंपनी उबर की ओर से लापरवाही हुई, क्योंकि उनके पक्ष में कई बार गलतियां पाई गई हैं, जैसे ना तो ड्राइवर के ब्यौरे की पुष्टि की गई थी और ना ही कार में जीपीएस उपकरण लगा हुआ था। आरोपी ड्राइवर कंपनी के साथ पिछले 6 महीने से काम कर रहा था। इस मामले ने 2 वर्ष पूर्व दिल्ली में चलती बस में हुए निर्भया कांड की याद दिला दी है, जिसके बाद बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कानूनों में आवश्यक बदलाव किए गए थे, मगर इसके बावजूद समय समय पर ऐसी वारदातों का सामने आना ठोस कदम की जरूरत और मामले के सामाजिक पहलू को भी दर्शाता है। पुलिस ने तेजी से रेप के आरोपी को तो पकड़ लिया, अब देखना है कि केस अपने अंजाम तक कब तक पहुंचेगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में भरोसा दिलाया कि दिल्ली कैब बलात्कार जैसी घटना फिर से ना हो, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।